साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे टिकट से रिलेटेड, क्योंकि पहले अभी रिसेंट में जो वीडियो डाले गए थे, सबसे ज़्यादा 90% कमेंट यही हैं कि सर आप सरकार झूठ बोल रही है, आप फेक वीडियो बनाते हो, ये बनाते हो, कब फ्लाइट चालू होगी, क्या होगा, टिकट कब वगैरह वगैरह, इसी से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। दो चार क्वेश्चन कॉमन और भी थे, तो मैं सोचा चलो वीडियो के माध्यम से आंसर मैं दे दूं। तो दो चार क्वेश्चन हैं और लगभग सभी लोगों के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है साथियों कि फॉर्म कहाँ भरना होगा। भाई देखिए, फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है यार। जितने भी वीडियो आप और देख रहे हैं या मेरे भी जितने आपने वीडियो देखे तभी आपने कमेंट किया, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उसको जाके ओपन करो। लोग इतने मूर्ख लोग हैं कि कमेंट कर रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि लिंक दे रहा हूँ, लिंक कहाँ दिया रहे। मूर्ख इंसान, वीडियो के नीचे जाके आप ओपन करोगे तो लिंक निकलेगा ना, ऐसे थोड़ी आपके पास निकल के पहुँच जाएगा, कोई लेके पहुँचेगा। कम से कम वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको जाके ओपन कीजिए, फॉर्म आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत कौन करें, कमेंट लिख देते हैं बस। तो भाई जो फॉर्म जितने वीडियो मैंने बनाए उनके नीचे लिंक दिया गया है, उसको आप ओपन करके फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए। आगे एक बंदे का क्वेश्चन आया था, दो तीन का, कि क्वारंटाइन का पैसा लगेगा, क्योंकि एक दो वीडियो ऐसे बने हैं कि वो बोल रहे हैं सर क्वारंटाइन के पैसे। देखिए, क्वारंटाइन का पैसा जो 14 दिन गवर्नमेंट रखती है अपनी तरफ से, उनका पैसा नहीं लगता आज तक इंडिया में। जितने अब क्या फ़र्क पड़ता है यार, आप अमेरिका से आ रहे हो, आप दुबई से आ रहे हो, इंडिया में कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, एक का भी पैसा नहीं लगा। बिल्कुल क्वारंटाइन का पैसा नहीं लगता, गवर्नमेंट अपने स्तर पे रखती है, चाहे वो हॉस्पिटल में रखे, धर्मशाला में रखे, या अपने स्तर पे वो हॉस्पिटल वगैरह अधिकृत कर लेती है, आपातकालीन में उसमें रखे। हाँ, पाकिस्तान में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप होटल में रुकते हो तो आपका खर्चा लगता है, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कोई नियम गवर्नमेंट ने नहीं बनाया कि आप अगर VIP ट्रीटमेंट लेते हो, होटलों में रुकते हो तो वो पैसा आपका लगेगा। इंडिया में ऐसा अभी तक है नहीं। और क्वारंटाइन जो 14 दिन तक गवर्नमेंट रखती है, वो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा लगता है उनका लगता है, और खाना भी की तरफ से दिया जाता है, गवर्नमेंट खाना प्रोवाइड कराती है, तो आपका पैसा नहीं लगेगा। हाँ, क्वारंटाइन के बाद जब आप घर आओगे तो वो पैसा आपका लगेगा, क्योंकि इंडिया से जहां जहां जिन जिन जिलों से स्टेटों से रिकवर किए गए उनसे बाकायदा गवर्नमेंट ने फीस ली है, पैसा लिया है, किराया लिया है, तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। काफ़ी सारे बेचारे या तो हो सकते हैं भोले लोग हैं, बोलते हैं सर इंडिया आना है, कहाँ संपर्क करें, फॉर्म भरा हुआ। देखिए भाई, फॉर्म भर दिया, वो गवर्नमेंट के पास आपका डेटा चला गया, और गवर्नमेंट इसी के वेट में है कि टोटल उनके पास डेटा कलेक्शन हो जाए, उसके बाद वो कदम उठाए। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए उसमें बाकायदा मैसेज आ जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाएगा, ट्विटर के माध्यम से आ जाएगा, या फिर वो उनकी तरफ से मैसेज कॉल वगैरह आ जाएंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए। आगे एक क्वेश्चन और होता है कि वीज़ा एक्सपायर हो गया इंडिया। भाई वीज़ा एक्सपायर हो या कुछ भी नहीं हो, इस टाइम तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी इंडिया आ जाओगे, अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो एम्बेसी इंडिया भेजेगी आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ एक्सपायर हो जाए, टिकट वगैरह, लेकिन आप इंडिया आ ही जाओगे। हाँ, फॉर्म भर के सबमिट करवा देना, बस इतनी सी बात है। अब बात कर लेते हैं भाई लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लोगों की, कि आप फेक वीडियो आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सरकार। अब मैं एग्जांपल आपको एक दे दूं मेरे भाई, सब लोग समझना, आपके घर में शादी होती है, क्योंकि हम एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं तो उसी स्तर की बात करेंगे, हवाई बातें अपने से नहीं होती है, नहीं कर पाते हैं। आप सब लोगों से क्वेश्चन करूँगा, आपके घर में छोटे सी बात करूँगा, एक फंक्शन होता है शादी का, और ज़्यादा नहीं होता, कोई लंबा चौड़ा 1000-2000 लोगों का, उसमें खाना बनाना होता है और एक दिन की व्यवस्था करनी होती है, कि या तो बारात अपनी सिस्टर की आती है या फिर जाती है, ठीक है, अपनी मतलब कोई आती जाती वो फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन की शादी के लिए हम लोग 6 महीने पहले से तैयारी करने लग जाते हैं। दिमाग से गौर से सोचिएगा मेरी बात को, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, गवर्नमेंट कब फ्लाइट है, कहाँ फ्लाइट है, 650 फ्लाइटें कहाँ खड़ी हैं, हमें नहीं दिखती, ये वो फलाना ढिमका। एक घर में शादी 1000-2000 की व्यवस्था करने के लिए, शादी संपन्न करने के लिए 6 महीने तक का टाइम लग जाता है, और 1 महीने का तो एकदम बिजी शेड्यूल होता है घर के अंदर। आपने शादी करी होगी, आपके आपको पता होगा, यानी 1000-1200 लोगों को मैनेज करने के लिए हम 1 महीने से तैयारी करते हैं, समझ रहे हो बात को, पूरे घर के इधर उधर होना, ये वो रिश्तेदारों को बुलाना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक दिन में अपना वो काम संपन्न हो पाता है। मेरे भाई 20 लाख लोगों का मैटर है पूरी इंडिया लेवल का, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। ऐसे ही कमेंट कर रहे हो 600 फ्लाइट 50 कहाँ है, वो कहाँ है, गवर्नमेंट झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, मुँह पे शर्म नहीं है। 20 लाख लोग कम से कम तैयार बैठे हैं इंडिया आने के लिए, उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी,
समझ रहे हो, आपको उनको कहाँ रखना है, क्वारंटाइन कैसे करना है, उनको बेड सब कुछ 14 दिन के लिए पूरी व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीपी किट, उनके टेस्ट की व्यवस्था, पूरा सिस्टम तामझाम देखना पड़ता है, लाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है यार। एक शादी में 1200 का खाना बनता है, उसमें भी अपने को 6 महीने तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अपनी शादी संपन्न हो पाती है। यहाँ तो लाखों में मैटर जा रहा है, गवर्नमेंट को व्यवस्था करने में टाइम नहीं लगेगा, और कौन सी गवर्नमेंट को डाटा भी तो चाहिए ना। आप यार थोड़ा दिमाग लगाओ, हम किसी कहीं पर बारात लेके जाते हैं अपनी शादी में, तो अगला पूछता नहीं है बारात में कितने लोग आओगे, ताकि हम व्यवस्था करें आपकी खाने की, या ऐसे ही चलो अगला ऐसे ही कर लेता है कि हाँ भाई 2000 लोगों का खाना बना देते हैं, आप पहुँचते हो 200 या आप पहुँचते हो कितने। गवर्नमेंट यही तो चाह रही है ना कि पता तो लगे विदेशों से कितने लोग आने वाले हैं, समझ रहे हो। अभी 3-4 दिन से तो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, और कल तो डेट 3 मई तो कल का डेट है ना, कल के या तो कल फाइनल हो जाएगा, परसों फाइनल हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास तो डेटा कलेक्शन आएगा, उसके हिसाब से तो फाइनल होगा ना कि भाई कितने लोग कौन सी कंट्री में हैं, कितने लोग राजस्थान में हैं, कितने कौन से लोग कितने स्टेट में हैं, उनको कहाँ कहाँ रखना है, आने के बाद किस तरह से उनकी व्यवस्था करनी है, कहाँ उनको डालना है, उनका मतलब कितने लंबा चौड़ा सिस्टम होता है। मैंने शादी वाला एग्जाम्पल दिया आपको, थोड़ा गौर करिएगा मेरी बात को। और दूसरी बात, गवर्नमेंट अपनी तरीके से एकदम उस्तेज होकर काम कर रही है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, 2 मई की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 मई को आप वीडियो देख रहे हैं, 2 मई की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये ओरिजिनल गवर्नमेंट की न्यूज़ है, सुन लीजिए मेरी बात को। नेवी ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरे कमर कस के नेवी तैयार है, नेवी के 14 युद्धपोत एकदम रेडी हैं, समझ गए बात को। इसमें देखिए आगे इसमें लिखा है, अशोक कुमार ने लोगों को विदेश से निकालने के लिए नेवी ने कमर कस ली है, 14 युद्धपोत नेवी के तैयार खड़े हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तैयारी है यार। 3 तारीख का तो लॉकडाउन ही है, 3 से पहले तो कुछ था ही नहीं, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग 3 दिन पहले ही कमेंट कर रहे हैं क्या हुआ जी, ये है वो है फलाना निमका। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, आज 2 तारीख की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, साथ में ऐड भी कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए बाकायदा, समझ गए बात को। कल 3 तारीख है, और 3 तारीख के बाद में या तो कल फाइनल हो जाएगा या परसों फाइनल हो जाएगा। डेटा कलेक्शन करने में मेन प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, डेटा कलेक्शन के हिसाब से पता लगेगा कि भाई दुबई से 50,000 लोग आने वाले हैं, 2 लाख आने वाले हैं, सऊदी से 1 लाख आने वाले हैं, कतर से, मस्कत, बहरीन, खाड़ी से कितने लोग आने वाले हैं, कहाँ कहाँ रखेंगे, पूरा सिस्टम देखना पड़ता है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इंक्वायरी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।